जी के पौष का महीना, अभी तो अगहन का महीना चल रहा है ना, तो अभी करीब करीब जो है 5 से 6 दिन बचे हैं। आज जो है सप्तमी है, कल अष्टमी होगी, इसके बाद अभी अगहन का जो महीना उसमें 5 दिन बचे, इसके बाद पौष का महीना। इसी पौष के महीने में संक्रांति होती है, संक्रांति 15 जनवरी को होगी, और विशेष रूप से पौष का जो महीना है भगवान सूर्य की उपासना के लिए जाना जाता है। संक्रांति में जब जो है मकर की संक्रांति आएगी, तो उसमें सबसे बड़ी बात है दान का बड़ा महत्व बताया गया है कि सूर्य का जो पात्र है, सूर्य की जो धातुएं हैं, तांबा आदि है, कुछ गेहूं है ना, कुछ अनाज है, और सबसे बड़ी बात है जब संक्रांति बदलती है और जिस दिन संक्रांति होती है, मकर की संक्रांति आएगी, उस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग दान का महत्व है, इसीलिए जो है सामर्थ्यानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो है सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इससे शनि से संबंधित जो कुछ बाधाएं हैं, जो जीवन में दिक्कतें आती हैं, वो शांत होगी। सूर्य से संबंधित जो लोगों को समस्या रहती है, उनसे भी लोगों को निजात मिलती है। अर्थात जिनका सूर्य बुरा है तो सूर्य भी अच्छा प्रभाव देंगे, और शनि जिनका बुरा है तो शनि भी अच्छा प्रभाव देंगे दान करने से।